हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जीके क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम DSSSB के फीस कलेक्ट एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जो कि आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है 22 नवंबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके जीके के टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, विच गैस इज रिलीज व्हेन यीस्ट बिगिंस टू फीड ऑन शुगर्स वाइल मेकिंग अ ब्रेड डो। तो देखिए, कौन सी गैस रिलीज होती है यीस्ट जब शुगर को डिजॉल्व करती है ब्रेड बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन टोटल रिसीप्ट एक्सीड एक्सपेंडिचर द फिस्कल पॉलिसी क्रिएट्स सरप्लस क्रिएट करती है तब फिस्कल पॉलिसी। देखिए, आपकी फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? देखिए, ये गवर्नमेंट यूज़ करती है फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ के लिए? इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, स्पेंडिंग और टैक्सेशन को देखने के लिए। ठीक है, वॉट इज़ द एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन कॉल्ड? देखिए, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपेटल फोर्स आपका बेसिकली होता क्या है? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रही हो उसे सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, मिड की तरफ भेजने की कोशिश करता है, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। हु डिजाइन एंड बिल्ड द टेलीस्कोप विद इंक्रीजिंगली हायर मैग्नीफाइंग पावर इन 1609? तो देखिए, टेलीस्कोप बिल्ड किसने किया था? आपका गैलीलियो ने। ठीक है, टेलीस्कोप किसने बिल्ड किया था? गैलीलियो ने। और आपका माइक्रोस्कोप किसने बिल्ड किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हैंस और जेंसन ने बिल्ड किया था, फादर और सन ने। विच कैनल कनेक्ट द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट? तो देखिए, कौन सा कैनल कनेक्ट करता है, वो है आपका सही आंसर पनामा कैनल। स्विस कैनल किन कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्विस कैनल करता है आपका रेड सी और मेडिटेरियन सी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल टिश्यू? देखिए, इनमें से कौन सा एक एनिमल टिश्यू है? इसका सही आंसर है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, ये आपके जो टिश्यू होते हैं ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, खास तौर पे लाइन बॉडी कैविटीज में और होलो ऑर्गन्स में। डैश इंडियन डांस रिक्वायर्स टैलेंट इन बोथ डांसिंग एंड सिंगिंग। देखिए, कुचिपुड़ी एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें आपको सिंगिंग भी आनी चाहिए और डांसिंग भी आनी चाहिए। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशियो बिटवीन। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन, देखिए कब नेशनलाइज हुआ था? इसका सही आंसर है आपका 1 जनवरी 1949। और अगर जब बोलूँ स्टैब्लिश कब किया गया था, तो आपका 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डांस? देखिए, डांस फॉर्म है बीहू। ठीक है, डांस फॉर्म भी है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। सारे के सारे आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल है। गुड़ी पड़वा बीहू, बैसाखी पंजाब में, पोंगल साउथ इंडिया में, ठीक है, तमिलनाडु और केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोज? देखिए, इनमें से कौन से है जो मतलब पार्ट जो नोज का पार्ट नहीं है? देखिए, फेरिंग्स है, ये नहीं है आपका। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये आपका बेसिकली थ्रोट में होता है। बाजरा ग्रोज बेस्ट इन विच सॉइल? ये आपके ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है बहुत ही इजीली। ठीक है, बाजरा और ब्लैक सॉइल को और क्या कहा जाता है? रेगुलर सॉइल कहा जाता है। देखिए, ब्लैक सॉइल आपकी इंपॉर्टेंट क्यों जाती है? क्योंकि किसी न किसी पेपर में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आपसे पूछ ही लिया जाता है। देखिए, ब्लैक सॉइल किस चीज़ में रिच होती है? लाइम में, थोड़ी कैल्शियम में, आयरन में और मैग्नीशियम में। ठीक है, और पोअर किस चीज़ में होती है? ब्लैक सॉइल इज पोअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। डैश इज अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, ट्रैंक्विलाइजर, एनर्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, सारे के सारे तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लगते हैं। और इनएनिमेट का मतलब भी आपका यही होता है जो कि जिंदा नहीं है। ये क्वेश्चन है, देखिए, मैच द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज टू यूरोप। पहले का है बी, मार्कोपोलो, यही पता था। और देखिए, इसमें फिफ्थ है सेल टू फाइंड इंडिया इन 1497, तो वास्को डी गामा। पहले का बी दे रखा है, फाइव का दे रखा है, यहाँ पे पहले का बी दे रखा है, फाइव का ही दे रखा है। बाकी जिसमें से जिनको भी ये पता होगा तो सही करेक्ट आंसर कर देगा, मुझे पता नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रेमिटेंस? तो देखिए, ओवर ड्राफ्ट मेथड नहीं है रेमिटेंस का, बाकी सारे के सारे हैं। नेफ्ट भी है, ड्राफ्ट भी है, RTGS भी है। देखिए, GDP की फॉर्म
फॉर्मूला पूछ रखा था डायरेक्ट, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जीडीपी का वो यही होता है कि कंजप्ट गुड एंड सर्विसेज प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू जीडीपी। टैक्स रेवेन्यू फॉल्स अंडर द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो इसका सही आंसर क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट। देखिए दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, दो क्या तीन, तीन या चार क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक से ही थे। इन 1577 डैश बिल्ड बाय द स्वर्ण मंदिर, बिल्ड द स्वर्ण मंदिर, देखिए गुरु रामदास जो कि आपके फोर्थ सिख गुरु थे, इन्होंने आपको गोल्डन टेम्पल बनाया था कहाँ पे, अमृतसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसका सही आंसर क्या है, अर्बनाइजेशन इज नॉट अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। बाकी सारे के सारे आप देख सकते हैं, लैंडफॉर्म, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और क्लाइमेट, सारे के सारे आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं। बुलंद दरवाज़ा और पाँच महल जाके दोनों के दोनों आप कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी आगरा में है, ये किसने बनाए थे, अकबर ने बनाए थे। बीच गेम इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन बेरिंगम 2022, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो कि आपके इंग्लैंड बेरिंगम में होंगे, ठीक है, बर्मिंगम में, और विंटर ओलंपिक्स आप सभी को पता ही होंगे बीजिंग में है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, देखिए कतर में हेल्ड हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बनता है, क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि कब अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था आपका 22 जनवरी 1947, और जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज कब किया था, 13 दिसंबर 1946। आप हर किसी को पता रहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हुआ था, प्रपोज हुआ था। वेयर विल द 2022 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड, देखिए बीजिंग में होंगे। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। विच कंट्री डज नॉट हैव एन ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट, देखिए इंडिया, इंडिया को कोई अपना ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट नहीं है, लेकिन हालांकि जो हमें पढ़ाया जाता है वो क्या बताया जाता है कि हॉकी है। लेसन लाइफ टॉट मी अनलोइंगली, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, देखिए अनुपम खेर जी की है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर साइरस पूनावाला हैं इसके फाउंडर। विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ द सेशन ऑफ द फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर ऑफ SC/ST, इसका सही आंसर है 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020। 101 अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, आपकी GST से। विच आर्टिकल गिव द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ स्टेट फ्लैग एंड ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, तो यही वो घटिया आर्टिकल था जिसने जम्मू कश्मीर को हमसे अलग किया, आर्टिकल 370। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन जिमनास्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट एन ओलंपिक गेम्स, तो देखिए दीपा कर्माकर हैं, ठीक है, इंडियन जिमनास्ट। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश ऑन, देखिए कब इस्टेब्लिश हुई थी, हर किसी को पता रहता है कि भाई 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे डेट पूछ ली गई है, डेट है आपकी 31 दिसंबर। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय, देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन किसने हैंड रिटन किया था, प्रेम बिहारी नारायण राजसाधन। वॉट स्पोर्ट इज सतीश शिवलिंगम एसोसिएटेड विद, देखिए सतीश शिवलिंगम किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। हु बिल्ड द वसाई फोर्ट इन मुंबई, ये किसने बिल्ड किया था, पोर्टुगीज ने बिल्ड किया था कहाँ पे, मुंबई में वसाई फोर्ट। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फोर्ट इन, देखिए कब फोर्ट की गई थी, ये 1817 में, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इतने सारे वॉर्स हैं, किस किस की डेट्स आप लोग याद कर लेंगे, डेट डेज यही बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल। नेम द साइक्लोन दैट हिट मुंबई इन 2021, देख ले साइक्लोन तोकते। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन आर्चरी प्लेयर, देखिए ज़्यादातर तो शायद आपको ना पता हो बस, लेकिन अगर जो सोम विश्वास के बारे में पता होता तो आपका इसका आंसर सही कर देते, सोम विश्वास कौन है, आपके इंडियन एथलीट है। नेम द हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप दैट इरप्टेड 4 times विद इन स्पैन ऑफ 6 days, देखिए माउंट एटना है, ठीक है, कौन सा, माउंट एटनोर है कहाँ पे, इटली में। विच ऑफ दीज ऑफ पर्सनैलिटीज हैव रिसीव्ड पद्म भूषण, राम विलास पासवान को पद्म भूषण मिल रखा है। देखिए अवार्ड्स के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा, आपका भारत रत्न, सेकंड नंबर में कौन सा आता है, पद्म विभूषण, थर्ड नंबर में कौन सा आता है, पद्म भूषण, ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा है, भारत रत्न। देखिए आज की वीडियो में इतना ही, टोटल 40 questions जीके कवर हो चुके हैं, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जितने भी फीस कलेक्टर के या फिर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी जीके हैं मैं कंप्लीट करा दूंगा, ये जो सीरीज पूरी सीरीज़ है मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा आप सबके लिए,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।